यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से गेहूं की फसल की कटाई पहले हुई थी, उसके बाद खरीदारी हुई थी, लेकिन बीच बीच में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जिससे किसानों की चिंता काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि सैकड़ों एकड़ से ज्यादा में खड़ी गेहूं की फसल और पाने जलकर खाक हुए हैं। रोहतक में मदीना गाँव की ये पूरी घटना है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। किसानों को नुकसान हुआ है, गेहूं के खेतों में ये आग लगी है। सुरेंद्र सिंह रोहतक से खबरें तक संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र, किस तरह का नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ा है, जिस तरह से गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी है? आज करीब 11:30 बजे गांव मदीना में जो खेतों में जो अजायब रोड पे जो खेत है, करीब 23 एकड़ जो फसल है गेहूँ की, वो जो पाने थे वो जलकर राख हो गए हैं। ये सोच तक की इसका बताया गया है, और जो यहाँ के मैम के विधायक हैं कांग्रेस के आनंद सिंह डांगे, वो भी मौके पहुंचे। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन किसानों का और जो कांग्रेस के विधायक, उनका कहना था कि हमने जो आग की सूचना समय पर दे दी थी, लेकिन जो 1 घंटे देर से वो पहुंचे और उससे काफी फैल गई और उससे काफी नुकसान हुआ। और सरकार से मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा कम से कम 25,000 रुपए दिया जाए। सुरेंद्र, आगलन की वजह क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, अभी कुछ का लोगों का कहना कि शॉर्ट सर्किट है, उसका कहना कि किसान द्वारा बीड़ी पीने का है, लेकिन दो जांच के बाद स्पष्ट होगा कि जहाँ कैसे लगी, लेकिन जो आग से काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है, काफी एकड़ जो फसल क्योंकि उनकी राख हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी कल भर्ती जो मेहनत की कमाई थी वो चलकर खाक हो गई है, सरकार उनको मुआवजा। और सुरेंद्र, कितने एकड़ फसल लगभग इसकी चपेट में आई है आग की? जहाँ तक हमारी नजर जा रही थी वहाँ तक आग ही आग के जले हुए के, क्योंकि यानी एक से ज्यादा किसानों की ये फसलें हो सकती हैं। जी जी, बहुत सारे किसानों का यहाँ करीब 200 से भी ज्यादा फसल जो थी वो खड़ी वो फसल का राख हो गई, और वो जो पानी खड़े थे करीब 400 में यह आग लगी है। शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी है। तो किसानों के सामने ही उनकी जो मेहनत है यानी उनकी फसल है वो जलकर खाक हो गई है। अब किसान जो है टकटकी लगाए बैठेंगे सरकार की ओर और मांग करेंगे मुआवजे की, गिरदावरी की, कि उन्हें जल्द से जल्द जो है उनके नुकसान की भरपाई सरकार से मिल सके।